हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं यमहा फेसिनो के 5 डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ। और इसके पहले मैं इसका कंप्लीट रिव्यू कर चुका हूँ, तो इसका कंप्लीट रिव्यू की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो वहाँ से देख सकते हो। तो सभी बाइक्स की तरह इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो मैं वन बाय वन आपको बताऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, इसमें जो सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे लगा, इसकी पावर, इसमें आपको पावर थोड़ी सी कम मिलती है। अगर आप थोड़ा सा अगर हाईवे पे राइड करोगे, या आपको लगता है कि आप थोड़ा सा स्पीड लेना चाह रहे हो, स्पीड गेन करना चाह रहे हो, थोड़ी सी आपको पावर लैग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको 7.1 PS की पावर मिलती है। जो भी अदर स्कूटर हैं इस सेगमेंट में, उसमें आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिल जाती है। यहीं पर अगर आप एक्टिवा की देख लो पावर, मेस्ट्रो की देख लो, जुपिटर की देख लो, तो सभी की पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। सभी में लगभग 8 BHP के आसपास की पावर मिलती है, किसी में 8.3 तो किसी में 8 BHP, और प्राइस लगभग सेम है। तो सेम प्राइस में आपको दूसरी जो ब्रांड है, दूसरी जो स्कूटर है, थोड़ी सी पावर ज़्यादा आपको ऑफर करती हैं। इनफैक्ट टॉर्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है अदर स्कूटर में इसके कंपैरिजन में। तो ये मुझे पहली प्रॉब्लम लगी कि इसमें। और इसके सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आपको 130 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो ये बहुत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस। मान लो अगर थोड़ा सा हैवी ब्रेकर आता है फिर दिक्कत हो जाती है। और यहीं पर अगर आप दूसरे स्कूटर को देखोगे तो उसमें आपको लगभग 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस तो मिलती है। तो जो स्कूटर के लिए मुझे लगता है कि जो आइडियल ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 150 mm, तो 150 mm से अगर कम है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसकी मुझे ग्राउंड क्लियरेंस कम लगी। बाकी आप बताओ, अगर आप ये स्कूटर को ओन करते हो तो 130 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रॉब्लम करती है सीट की नहीं, आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसका जो मुझे थर्ड डिसएडवांटेज लगा वो इसके ब्रेक्स। इसमें आपको ड्रम वाला ब्रेक मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इनको डिस्क का ऑप्शन तो देना चाहिए। आप स्टैंडर्ड में डिस्क मत दो, लेकिन ऑप्शन तो देना चाहिए, क्योंकि सारे स्कूटर में आपको डिस्क का ऑप्शन मिलता है। एग्जांपल मान लो किसी को ये स्कूटर अच्छी लगती है, ये लुक अच्छा लगता है, और लेकिन फिर ब्रेक में प्रॉब्लम कर सकती है ना, डिस्क ड्रम वाला वेरिएंट है और आप पैसे उतना ही ले रहे हो जितना अदर स्कूटर में पे करना पड़ता है। तो एटलीस्ट इनको डिस्क का ऑप्शन देना चाहिए था, जिससे थोड़ा सा ब्रेक और इम्प्रूव हो सके। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इसमें आपको केवल ड्रम वाला वेरियंट ही मिलता है। तो ये भी मुझे एक इसका डिसएडवांटेज लगा। और इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको फीचर्स कम मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई भी स्लॉट नहीं है। और मुझे लगता है कि इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट सारी स्कूटर में आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए स्लॉट तो मिलता ही है, भले आपको आफ्टर मार्केट या बाहर से आपको चार्जर इंस्टॉल करना पड़े, लेकिन एटलीस्ट स्लॉट तो मिलता है। लेकिन इसमें आपको सीट के नीचे जो स्लॉट है वो भी नहीं मिलता, तो आपको मोबाइल चार्ज करने का स्लॉट नहीं मिलता इसमें। और कुछ फीचर्स आपको जो अभी नए स्कूटर्स आ रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए स्लॉट तो होना ही चाहिए था। तो ये भी एक इसकी कमी है कि इसमें आपको फीचर्स कम मिलते हैं, और कुछ फीचर्स या कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं वो भी कम मिलते हैं। जैसे कि आप इसमें देखो, कैरी करने के लिए केवल सिंगल हुक है, और दूसरी स्कूटर में आपको दो हुक मिल जाते हैं, एक फ्रंट में और एक ये यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके सबसे लास्ट डिसएडवांटेज की। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब सभी को नहीं हो सकता, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, और इन्फॉर्मेशन भी नॉर्मल सी है। तो मुझे तो थोड़ा सा, अगर इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी होता है, एटलीस्ट सेमी डिजिटल होता, तो थोड़ा सा और सही बन जाता, थोड़ा सा और इजी टू रीड होता, और थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता। और बाकी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस स्कूटर में। किसी किसी को ऐसा लगता है कि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल है थोड़ा सा और क्लासिक लुक देता है। बाकी आप बताओ, ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसका कैसा लगता है। तो गाइस, बस ये थे इसके 5 डिसएडवांटेज। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।